साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज का पहला मैच 26 से 30 दिसंबर तक खेला जाएगा। ये मैच सीधा आ रहा है सेंचुरियन साउथ अफ्रीका से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफेक्ट लाइनअप यूट्यूब चैनल। यहां पर आपको बताते हैं हर मैच का डिटेल डेटा और एनालिसिस। तो चलिए जानते हैं क्या कहता है मैच एनालिसिस साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज मैच नंबर 1 को लेकर। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे परफेक्ट लाइनअप ऐप। अगर आपने अभी तक परफेक्ट लाइनअप ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो अभी डाउनलोड करिए परफेक्ट लाइनअप ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। परफेक्ट लाइनअप ऐप पर आपको मिलता है हर मैच का डिटेल डेटा और एनालिसिस। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलती है AI जनरेटेड टीम भी, जिन्हें आप अपने फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अब फैंटेसी खेलना हो गया है बहुत आसान परफेक्ट लाइनअप के साथ। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं परफेक्ट लाइनअप ऐप। यहाँ पर अपना मैच सेलेक्ट कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। 26 दिसंबर को ये मैच है, 1:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। आज के मैच एनालिसिस में हम एक नया फीचर यूज करेंगे परफेक्ट लाइनअप का, जिसका नाम है की मैच इनसाइट इन 2 मिनट्स। इस फीचर में हमें एक ओवरऑल डेटा मिल जाता है, एक ओवरव्यू मिल जाता है पूरे मैच का। तो हम इस फीचर का यूज करेंगे आज के मैच एनालिसिस के लिए। तो हम जैसे की मैच इनसाइट पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे ग्राउंड कंडीशन दिख जाती हैं। तो अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 313 रन का एवरेज स्कोर है इस पिच पर और 10 विकेट एवरेज विकेट हैं। टेस्ट क्रिकेट हैं तो विकेट्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और देखा जाए तो यहाँ की बैटिंग पिच है क्योंकि 313 रन का स्कोर है, तो आपको बैट्समैन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है अपने लाइनअप में ओवर बॉलर्स। टॉस ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम ज़्यादातर बैटिंग फर्स्ट चूज़ करती हैं, और वो इस वजह से क्योंकि इस पिच पर बैटिंग फर्स्ट चूज़ करने वाली टीम ज़्यादा मैचेस विन करती है। यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। वहीं अगर हम पिच ट्रेंड्स की बात करें तो बैटिंग आपको ज़्यादा पॉइंट्स देती है इस पिच पर। ओवर बॉलिंग बैटिंग के पॉइंट 64% रहते हैं, ओवर बॉलिंग बॉलिंग के सिर्फ 36% रहते हैं। और वहीं अगर हम पेसर और स्पिनर्स का परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पेसर्स आपको यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स देके जाते हैं, तो पेसर्स को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा अपने लाइनअप में। इसके साथ साथ परफेक्ट लाइनअप आपको यहाँ पे प्लेयर सजेशन भी देता है कि ये प्लेयर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लास्ट मैचेस के बेसिस पर। तो रविचंद्रन अश्विन राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ स्पिन है, ऑलराउंडर हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं ये पास मैचेस में, तो ये भी काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकते हैं आपके लाइनअप के लिए, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर हैं ये, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इनको आपको कंसिडर करना चाहिए। हालांकि पेसर्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन रविचंद्रन अश्विन एक काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका टेस्ट क्रिकेट में, तो आपको इनको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि लास्ट मैचेस जो इन्होंने खेले थे, लास्ट के 10 मैचेस में से ये 9 मैचेस में ड्रीम टीम में रहे हैं। लास्ट सीरीज जो खेली थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेली थी, उसमें पहला मैच जो खेला था उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 5 विकेट लिए थे उस मैच में। उसके बाद दूसरा मैच जो था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसमें 56 रन्स मारे थे, 1 विकेट लिया था, 1 कैच लिया था, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, इनको आपको कंसिडर करना चाहिए अपनी टीम में। उसके बाद सेकेंड सजेशन जो है वो है मोहम्मद सिराज, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, बॉलर हैं, पेसर हैं, पेसर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। ये मतलब थोड़े से रिस्की प्लेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि अगर लास्ट 10 मैचेस में देखें तो सिर्फ 3 मैचेस में ड्रीम टीम में रहे हैं, बॉटम 20% मतलब बॉटम सिलेक्शन जो इनका रहा है वो सिर्फ 2 मैचेस में रहा है, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं ये, लेकिन रिस्की प्लेयर अभी चल रहे हैं टेस्ट फॉर्मेट में। तो अगर आप रिस्की टीम बनाना चाहते हैं, फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर बड़ा विन करना चाहते हैं, तो इनको आपको कंसिडर करना चाहिए। आप अगर मल्टीपल टीम्स लगा रहे हैं तो एक टीम में इनको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, और कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की पोजिशन भी देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी मैचेस से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन लास्ट मैच जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था उसमें 5 विकेट लिए थे, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये दे सकते हैं अगर इनका दिन रहा वो, तो इनको आपको कंसिडर करना चाहिए अपनी टीम में। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर देख सकते हैं लास्ट 5 मैचेस के बेसिस पर
कि कैसा बैटिंग ऑर्डर रहा है टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया और टीम साउथ अफ्रीका का। अब इसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे टॉप हेड टू हेड परफॉर्मर्स की, कि टॉप हेड टू हेड परफॉर्मर्स कौन है लास्ट 5 टेस्ट क्रिकेट मैचेस के बेसिस पर। तो यहाँ पे रोहित शर्मा है और रविंद्र जडेजा है। यहाँ पर हमें एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स देखने को भी मिल जाता है। रोहित शर्मा की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है टेस्ट फॉर्मेट में। लास्ट मैच जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था टेस्ट सीरीज में, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, 80 रन मारे थे। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, पहली इनिंग में 80 रन मारे थे, दूसरी इनिंग में 57 रन मारे थे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इनका पहले मैच में। उसके पहले जो मैच खेला था उसमें फर्स्ट इनिंग में 103 रन मारे थे। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है रोहित शर्मा की। तो टॉप हेड टू हेड परफॉर्मर में ये आते हैं, इनको भी आपको कंसिडर करना चाहिए अपनी टीम में। उसके बाद है रविंद्र जडेजा, ऑलराउंडर हैं, 147 पॉइंट्स हैं एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने भी दिया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लास्ट सीरीज़ में, तो इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में। पोटेंशियल है प्लेयर में और रविंद्र जडेजा एक बहुत बड़ा नाम है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पिनर हैं एंड स्पिनर्स की थोड़ी स्पेशल परफॉर्मेंस रहती है टेस्ट मैचेस में, तो इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में। अगर बात करें टॉप परफॉर्मर्स एट दिस वेन्यू, तो आते हैं केएल राहुल और कगिसो रबाडा। 181 का एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स है केएल राहुल के, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन ये भी रिस्की प्लेयर हैं। 10 मैचेस में सिर्फ 3 बार ड्रीम टीम में रहे हैं, तो अगर आप इनको कंसिडर कर सकते हैं तो एज अ रिस्की प्लेयर आप इनको कंसिडर करिए, क्योंकि इनकी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही है टेस्ट फॉर्मेट में। ODI T20 एक कम्प्लीटली अलग फॉर्मेट हो जाता है, टेस्ट मैचेस एक अलग फॉर्मेट हो जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से सिलेक्शन करना है अपनी टीम में। तो KL राहुल को आप अपनी रिस्की टीम में ज़रूर रख सकते हैं। उसके बाद कगिसो रबाडा भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, ये भी 10 में से 6 बार ड्रीम टीम में रहे हैं। लास्ट मैच इन्होंने भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था, तो उसमें इन्होंने 2 विकेट लिए थे पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में भी 2 विकेट लिए थे, तो एवरेज विकेट तो ये 2 दे के गए ही पहले मैच में। उसके बाद जो मैच खेला था उसमें भी पहले उसमें 2 विकेट लिए थे, दूसरे मैच में इन्होंने 6 विकेट लिए थे दूसरी इनिंग में, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं ये, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में, पेसर हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एक स्पेशल फीचर देखने को मिलता है, एक स्पेशल ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि है प्लेयर विद एक्स फैक्टर। अब इसमें वो प्लेयर्स रहते हैं जिनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं चलता आ रहा है, लेकिन जिस दिन इस प्लेयर का दिन होता है उस दिन ये प्लेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, एंड इस प्लेयर में वो पोटेंशियल है कि ये अपनी एवरेज परफॉर्मेंस से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे के जाए। अगर वो बॉलर है तो काफ़ी अच्छे आपको पॉइंट्स दे के जाए और ऐसे पॉइंट्स दे के जाए जिसके बेसिस पर आप एक विनिंग लाइनअप बना सकें। तो यहाँ पर हमें प्लेयर्स विद एक्स फैक्टर में रविचंद्रन अश्विन दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं अगर उनका दिन हो, क्योंकि हम इनकी पास्ट परफॉर्मेंस पर वो जज कर सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये था डेटा की मैच इनसाइट्स का, आपको एक ओवरव्यू मिल गया है। अगर आप और डिटेल में इन डेप्थ डेटा एनालिसिस देखना चाहते हैं, मैच का एनालिसिस करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करिए परफेक्ट लाइनअप ऐप। यहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, सारा इन डेप्थ डेटा मिल जाएगा, जिससे आप एक अपनी परफेक्ट विनिंग फैंटेसी टीम बना सकते हैं। अब हम सजेस्टेड कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सजेशन देखें तो रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर हैं, परफेक्ट सजेशन है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन ऑलराउंडर हैं, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद एडिन माक्रम बैट्समैन हैं साउथ अफ्रीका से, ये भी काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं। लास्ट मैच भी इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था, तो उसमें टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद हैं यशस्वी जायसवाल, नए खिलाड़ी हैं, टेस्ट फॉर्मेट में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, एक ही अभी तक इंटरनेशनल सीरीज़ खेली है टेस्ट की, वो थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। पहला जो मैच खेला था उसमें फर्स्ट इनिंग में 171 रन्स बनाए थे। उसके बाद जो दूसरा मैच खेला था वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था, उसमें फर्स्ट इनिंग में 57 रन्स बनाए थे, सेकंड इनिंग में 38 रन्स बनाए थे, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में और कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के सजेशन। अभी तक हमने जो डेटा डिस्कस करा है उसके बेसिस पर आप बना सकते हैं अपनी परफेक्ट फैंटेसी टीम। बस आपको ओपन करना है परफेक्ट लाइनअप ऐप,
जाना है कस्टम टीम बिल्डर पर, सिलेक्ट करने हैं अपने बेसिस, सिलेक्ट करना है अपना फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म, उसके बाद सिलेक्ट करना है नंबर ऑफ लाइनअप, जितनी आप लाइनअप जनरेट करना चाहते हैं, उसके बाद प्लेयर्स, जिन प्लेयर्स का डेटा आपको पसंद आया है उनको एज अ प्रिफर्ड मार्क करना है, एज अ लॉग्ड मार्क करना है उस प्लेयर को, और जिन प्लेयर्स को आप नहीं चाहते अपने लाइनअप में उनको एक्सक्लूड करना है, और आप जनरेट कर सकते हैं अपनी परफेक्ट फैंटेसी टीम और एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर। तो देखा आपने परफेक्ट लाइनअप के साथ कितना आसान है फैंटेसी टीम जनरेट करना। अगर आप भी डिटेल्ड डेटा के बेसिस पर अपनी परफेक्ट फैंटेसी टीम जनरेट करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करिए परफेक्ट लाइनअप ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये था डिटेल एनालिसिस साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया टेस्ट सीरीज मैच नंबर 1 को लेकर, जो कि खेला जाएगा 26 से 30 दिसंबर तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए मैच एनालिसिस के साथ, साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया मैच नंबर 2, टेस्ट नंबर 2 को लेकर। तब तक के लिए कीप प्लेइंग फैंटेसी स्पोर्ट्स।